कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बुक से। वी आर स्टडिंग द ब्रेन रूट सीरीज और हमारी बुक का नाम क्या है, ग्रामर ग्लेजर ओडेसी ऑफ क्लास 6। चलिए तो आज देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव्स। ठीक है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा होगा, पर अब हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा एक वर्ड जो किसी चीज़ को डिफाइन करता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। सो अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, या फिर चलिए आपके बारे में लेते हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट। सो गुड जो है ये मैं आपकी एक खासियत बता रही हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ गुड वर्ड के साथ, राइट? सो आप क्या बोलेंगे कि जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया, या फिर आपके लिए कुछ बोल दिया, आपके लिए कुछ ऐड कर दिया, तो वो एक एडजेक्टिव है। उस वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। पंकज इज़ टॉल, तो टॉल उसकी एक खासियत है, हम उस टॉल वर्ड से उसे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? देयर आर थ्री गर्ल्स, तो थ्री भी हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, कितनी गर्ल्स हैं, थ्री गर्ल्स हैं, तो हम थ्री हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। चलिए अब हम देखेंगे द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हमारे पास 6 टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो एडजेक्टिव किसी भी पर्सन की या किसी चीज़ की क्वालिटी को बताता है, जो वर्ड हम किसी चीज़ की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जैसे माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, तो डिलीशियस उस पर्टिकुलर फूड की क्वालिटी है ना, तो डिलीशियस वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आई हैव अ ब्यूटिफुल शर्ट, तो अब आप देख सकते हैं हमने शर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करा है, ब्यूटिफुल। सो वो ब्यूटिफुल वर्ड क्या होगा, इट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आपको समझ आ गया, जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी को, उसकी अच्छाई को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, यस, दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव्स हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। अब इसके अंदर एक्सरसाइज में हमें एडजेक्टिव्स भरने हैं, पर कौन से, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भरने हैं। चलिए अब देखते हैं, ही इज़ अ डैश बॉय, ही इज़ अ नॉटी बॉय, तो अब आप यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, नॉटी। सो यू कैन सी दैट नॉटी, उसको हम उसकी क्वालिटी बताने के लिए नॉटी लिख रहे हैं। सचिन बॉट अ डैश कार, सचिन बॉट अ शाइनी कार, तो आप लिख सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या है, कि वो शाइन कर रही है, शाइनी कार। जापान इज़ अ डैश कंट्री, जापान इज़ अ क्या लिख सकते हैं आप, ब्यूटिफुल कंट्री या फिर प्रॉस्परस कंट्री। सो आप, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ ब्यूटिफुल। सारा इज़ अ डैश गर्ल, सारा इज़ अ प्रिटी गर्ल, और आप ब्यूटिफुल भी यूज़ कर सकते हैं। माई बॉस इज़ एन डैश पर्सन, माई बॉस इज़ एन एंग्री पर्सन, सो आप एंग्री उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही है। ही इज़ अ डैश गाय, ही इज़ अ हैंडसम गाय, सो हैंडसम जैसे हम गर्ल्स के लिए ब्यूटिफुल यूज़ करते हैं, तो वी कैन से हैंडसम फॉर गाइज, सो हैंडसम उसकी एक क्वालिटी है। या फिर आप बोल सकते हो ही इज़ अ क्लेवर गाय, क्लेवर भी उसकी एक क्वालिटी हो सकती है, राइट? द डैश होटल इज़ बिल्ट लास्ट ईयर, द ब्यूटिफुल होटल लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं द बिग होटल इज़ बिल्ट लास्ट ईयर। लास्ट वन, ही हैज़ अ डैश डॉग, ही हैज़ अ फेथफुल डॉग, तो वो उसकी क्वालिटी हुई, राइट? चलिए तो आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ आई होगी। सेकेंड हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें वो बताता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्वांटिटी में कितनी है, वो कितनी है, हाउ मच इज़ द थिंग, ठीक है? चलिए, जैसे गिव मी अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स, मुझे एक मुट्ठी भर ग्रेन्स दो। श्वेता वॉन्ट्स सम शुगर, सो आप देख सकते हैं जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए अब देखेंगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के साथ। पिक आउट द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट इज योगिता नीड्स सम वाटर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सम हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट? क्योंकि वो वाटर की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है।
आई हैव टोल्ड यू टू गेट सम इंक. सो फिर से सम हमारा क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ही इज अ मैन विद लेस प्रॉपर्टी, तो लेस हमारा फिर से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. ही हैज मच मनी, चलिए तो मच हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देयर इज लिटिल होप ऑफ विक्ट्री, सो लिटिल हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, एनी इज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. लास्ट टू आई एम गिविंग यू एज योर होमवर्क टू ट्राई योर सेल्फ. ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जब हम गिन सकते हैं क्वांटिटी कितनी है. हमने ऊपर क्वांटिटी में क्या पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सम, इनफ, एनी, इसके अंदर हम एग्जैक्ट नंबर नहीं काउंट कर सकते, राइट. बट हमें जब बोला गया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो हम काउंट कर सकते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब हाउ मैनी. आपको मैं बताऊंगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब होता है हाउ मच. क्वेश्चन क्या देता है वो, हाउ मच क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है. जैसे आई नीड सम मनी, हाउ मच मनी डू यू नीड, आई नीड सम मनी. तो क्वेश्चन हमेशा क्या बनेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से, हाउ मच. और एडजेक्टिव ऑफ नंबर से क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी. तो आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, ये आपकी ट्रिक है जिससे आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. चलिए तो हमारा एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज सेवन रिंग्स, तो हम काउंट कर सकते हैं ऑन आर फिंगर्स की सेवन कितना है. ही इज सिटिंग एट द फर्स्ट बेंच. अब आप देख सकते हैं हमारे पास थ्री काइंड्स के एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं. सबसे पहला डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव. डेफिनेट में क्या होता है, वन सन, टू बॉयज, फोर पेंस, ठीक है, जिसके अंदर हमें पता है कि ये प्रॉपर नंबर है, ये डेफिनेट है, ठीक है. वन सन, टू बॉयज, थ्री गर्ल्स, फाइव पेंस, टेन हेंस, एनीथिंग यू कैन यूज, जिसके अंदर हमें पता है डेफिनेट नंबर, राइट. या फिर फर्स्ट गर्ल, सेकेंड सीट, थर्ड प्लेस, थर्ड पोजिशन, फोर्थ प्लेस, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. फिर इनडेफिनेट में क्या होता है, जिसके अंदर मैं बोलूँ आपको, ऑल द स्टूडेंट्स हियर आर गुड इन स्टडीज, मैनी स्टूडेंट्स आर फेल्ड दिस ईयर, ठीक है. आप देख सकते हैं इसमें भी ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मैनी फैंस आर वर्किंग. ये हमारे इनडेफिनेट है कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं फिंगर्स पे, मतलब डेफिनेट एक नंबर नहीं दे रखा, ठीक है. पर अगर हमारे सामने वो सारे लोग आ गए तब हम उन्हें फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट देम. बट हमें सेंटेंस के अंदर कुछ डेफिनेट नहीं दे रखा. ऑन द अदर हैंड क्वांटिटी में क्या होता है, अगर वो हमारे सामने भी आ जाए तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते. जैसे देयर इज लिटिल होप लेफ्ट, तो आप होप को तो काउंट नहीं कर सकते ना, वो एक अनकाउंटेबल चीज़ है क्योंकि वो एक फीलिंग है, राइट. अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव. आपको हमने, मैंने उसमें भी बताया था, प्रोनाउंस में डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या क्या आता है, ईच, आइदर, नाइदर. तो जब हम किसी एक चीज़ को, बहुत सारे में से एक चीज़ को रेफर करते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. जैसे ईच ऑफ द गर्ल हियर इज अ गुड गर्ल, राइट. सो हम एक एक की बात कर रहे हैं, राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी हैव अनदर एक्सरसाइज जिसके अंदर हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर को फिल करना है. चलिए करते हैं. देयर आर डैश हाउसेज इन द विलेज. देयर आर, कैसे लिख सकते हैं आप, यस, मैनी हाउसेज इन द विलेज. माई हैंड्स हैव 10 फिंगर्स एंड 2 थम्स, राइट. हमारी टोटल 10 फिंगर्स होती हैं और 2 थम्स होते हैं, राइट. शी मेड डैश मिस्टेक्स इन द आर्टिकल्स. She made many mistakes in the articles. Only a dash children took part in the function. Only a few children. ठीक है? Dash people helped him. 5 people helped him. आप इसे नंबर में भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं some people helped him. दोनों ही ठीक है. There are dash students in the class. There are 50 students in the class. तो एक नंबर ही हो गया, right? Riya stood dash in the dance competition. Riya stood first in the dance competition. तो ये भी हमारा adjective of number हो गया. I hope आपको ये बात समझ आई होगी. Next हमारे पास आता है demonstrative adjectives. Demonstrative कौन से होते हैं, जब हम किसी एक चीज़ को या किसी एक person को indicate करते हुए बोलें, उसके action को indicate करें basically. For example, हमारे पास है Which is the girl who stood first?
डैट इज द गर्ल. तो आपको याद होगा हमने प्रोनाउंस में भी पढ़ा था दिस डैट डोज दीज सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन सा वर्ड आंसर करते हैं, कौन सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, वॉट या फिर विच. विच इज योर हाउस, वॉट इज द नेम ऑफ द गर्ल, राइट. जैसे दिस हाउस इज माइन, दोज क्लाउड्स आर डार्क और ब्लैक. ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे. अब हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसके एक्सरसाइजेस को करेंगे और आपको और अच्छे से समझ आएगा. लेट्स सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. दिस डॉग वॉज चेजिंग एट अ कैट येस्टरडे. तो इसके अंदर हमारा दिस होगा डेमोन्स्ट्रेटिव, राइट. दोज गर्ल्स लाइक ईटिंग चॉकलेट, तो दोज होगा. थर्ड सेंटेंस, आई कट दीज पिक्चर्स फ्रॉम अ बुक, सो दीज हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डू दीज बुक्स बिलोंग टू यू, फिर से दीज हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दीज फ्लावर्स आर फॉर यू, दीज. दिस बॉय इज अ फास्ट रनर, सो हम एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, उसे पॉइंट आउट करते हुए बोल रहे हैं, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. लास्ट टू एज यूजुअल दे आर योर होमवर्क, काइंडली डू देम योर सेल्फ. ऑल राइट, मूविंग ऑन. चलिए अब हम एक्सरसाइज देखेंगे जिसके अंदर हमें पोजेसिव एडजेक्टिव्स को फिल करना है. फर्स्ट वन इज दे हैव अ कार, दिस इज देयर कार. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आएगा, टी एच ई आई आर, देयर. द कैट इज लिकिंग इट्स पॉज. जिम इज प्लेइंग विद हिज बॉल. द गर्ल्स यूज हर ओन ड्रेस. डिड टॉम इनवाइट यू टू हिज बर्थडे पार्टी. I have finished my work. Their names are Kevin and Stewart. There. ठीक है, अब हमारे पास sixth type of adjective है, interrogative. आपको पता है interrogative कौन से words use होते हैं, जैसे whose, when, what, where, right? तो इसके अंदर भी यही है जो हमें question को inquire करने के लिए words use करते हैं, जैसे which book do you need, whose pen is this, right? देखेंगे आप इसकी एक्सरसाइज जिसके अंदर हमें अंडरलाइन करने हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउंस. इसमें अंदर हमें नाउंस भी सर्कल करने हैं. सो आई विल डू थ्री फॉर यू एंड बाकी के थ्री आप खुद करेंगे. व्हाट टाइम विल यू बी अराइविंग फॉर डिनर एट आवर हाउस. सो व्हाट विल बी योर इंटेरोगेटिव. आई एम राइटिंग आई फॉर इंटेरोगेटिव एंड हाउस इज योर नाउन एन. ओके, Which book is your favorite? One out of these. So which हमारा क्या है, interrogative. And book हमारा है noun. Right? Third one. Do you know whose coat is this? So whose क्या है? Yes. Whose is our interrogative and coat क्या है? Noun. Last three. As usual they are your homework. आपको खुद try करने हैं. Now we will do the next exercise, the G1. Underline the adjectives in the sentence and state their types. चलिए करते हैं. The two white cars parked outside are mine. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे two क्या है? Two हमारा adjective of number है और mine क्या है? Possessive adjective है. ठीक है? So this is adjective of number and possessive. Second one you have to do yourself. It's your homework. Those children saw three peacocks on the roof. तो those हमारा क्या है, demonstrative adjective and three क्या है, adjective of number. ठीक है, again fourth one I will give you as a homework. Okay, so fifth one, each person should contribute some money to the fund. Each is distributive and some is, yes, adjective of quantity. Again sixth one is your homework. Is there any tea in the basket? So there हमारा demonstrative हुआ और any क्या हुआ, distributive, right? So I hope आपको ये समझ आ गया. Last one is again your homework. All right, now we have the H exercise जिसके अंदर हमें क्या करना है, highlight words आपको दे रखे हैं, highlight कर रखे हैं words. You have to identify कि ये adjectives हैं या pronouns हैं. Also mention the type. So identify the highlighted words as adjectives and pronouns. So अब देखेंगे अब हम. Whose pencil box is this? तो आप देख सकते हैं whose क्या है? This is, yes.
दिस इज योर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और दिस क्या है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, सेकेंड वाला आप खुद करेंगे. थर्ड वन, वॉट डज शी वॉन्ट, तो वॉट हमारा क्या हुआ, इंटरोगेटिव. अगेन फोर्थ वन इज योर होमवर्क, माई बुक इज ऑन द टेबल, सो माई इज पोजेसिव. ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउन में आता है, विच इज पोजेसिव प्रोनाउन. एंड दिस वन अगेन यू हैव टू डू एज योर होमवर्क, बिकॉज हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर चुके हैं विच आर रिलेटेड टू द काइंड. ओके, नाउ फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम दीज वर्ड्स एंड यूज ईच ऑफ देम इन योर सेंटेंसेस. तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स से एडजेक्टिव्स बनाने हैं और एक सेंटेंस बनाना है. सो आई कैन सी दैट दिस एक्सरसाइज कैन बी डन बाई यू योर सेल्फ, सो आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज एज योर होमवर्क. ओके, आई होप कैन यू कैन डू इट. ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. नाउ टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय.